नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, मैंने आपसे एक वादा किया था कि हम जो है आपके डीएलएड के 8 के 8 मॉडल पेपर या यूं कहें तो 8 के 8 आदर्श प्रश्न पत्र आपको जरूर करवाएंगे। इन आदर्श प्रश्न पत्र या मॉडल पेपर कराने का केवल और केवल एकमात्र यही उद्देश्य है कि आप सभी लोग प्रश्नों के कठिनाई के स्तर से परिचित हो जाइए। जो आपको लगता है कि कठिनाई का स्तर थोड़ा सा अप रहेगा कि लो रहेगा, उससे हम परिचय करवाएंगे। वस्तुतः आप जो है निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई सेल्फ स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी लोग जो है लगातार अनवरत और निश्चित रूप से निरंतर तरीके से ईमानदारी, तन्मयता और प्रतिबद्धता का पालन करते हुए अपने आप को सेल्फ स्टडी पर फोकस करनी है। दिन भर ऑनलाइन रहने से केवल और केवल आपकी आँखें बर्बाद होंगी और आपका भविष्य कमज़ोर होगा। जो बच्चा सोचता है हम ऑनलाइन पढ़ करके बहुत कुछ कर सकते हैं, निश्चित रूप से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं भी एक यूट्यूबर हूं, लेकिन ये बातें लगातार इस वजह से बोलता हूं क्योंकि हमारे साथ के या हमसे पढ़ने वाले कई बच्चे जो है दिन भर ऑनलाइन रहते हैं। मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी अटपटी लगती हैं क्योंकि ऑनलाइन में कुछ रखा नहीं गया है, दुनिया मोहमाया है, आप इसी में रह जाएंगे। जिनको जो करना है, देखिए मेहनत करने वाले मेहनत कर रहे होते हैं। जिस समय आप फेसबुक चला रहे होते हैं उस समय कोई बच्चा जो है सर झुका के पढ़ रहा होता है और वही आपका सीट लेगा, निश्चित रूप से लेगा, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जो है पंचम प्रश्न पत्र है सामाजिक विज्ञान आपका, वो पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन आता है, 50 नंबर का पेपर होता है। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। हाँ, इसी लेवल के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आपको किस तरीके से पेपर लिखना है मैं वो चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ और निश्चित रूप से आप सभी लोग बेहतर को और बेहतर बनाने का निशांत ज्ञान के साथ जुड़ करके कर रहे होंगे और अपने भविष्य को उज्ज्वल बना रहे होंगे। चलिए इस वीडियो के इस पेपर को शुरुआत करते हैं। जो है जो पेपर आपके सामने है सामाजिक अध्ययन, इसको लिखने के लिए 50 नंबर का पेपर आता है। 3 पेपर आपके 50 नंबर के होते हैं, कौन कौन से, एक सामाजिक अध्ययन होता है, एक बाल विकास होता है, एक शिक्षण अधिगम का सिद्धांत होता है। इसमें आपको 2 घंटे समय मिलते हैं, बाकी 25-25 नंबर वाले पेपर में जो है आपको कितने घंटे मिलते हैं, 1 घंटे मिलते हैं, ठीक है। इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होती है 15, अति लघुत्तरी प्रश्नों की संख्या जो है 15 होती है, और जो लघुत्तरी प्रश्नों की संख्या होती है वह होती है 10, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने जो है 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको 2 घंटा बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, लगातार लिखना प्रारंभ करना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, चाहे वो आपको आए या ना आए, है ना। आपको पूरे के पूरे प्रश्न करने हैं, आपको कठिनाई के स्तर से हम रूबरू कराते हैं कि कैसे पेपर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस तरीके से आपको पेपर लिखना है मैंने अच्छी तरीके से बताया है। पहला क्वेश्चन है, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का कौन सी फसल है, रबी की है, खरीफ की है, जायद की है या कोई नहीं, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं धान, बाजरा, ज्वार, मक्का ये सभी किसकी फसल होती हैं, खरीफ की फसल होती हैं। रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं, गेहूं, चना, जौ जो इस समय काटी जा रही हों रबी की फसल होती हैं, जो इस समय बोई जा रही हैं मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और अगस्त और जुलाई के महीने में काट ली जाती हैं, जायद की होती हैं, जैसे तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सभी जो है जायद की फसल होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया था। तो मुद्रा राक्षस की रचना मित्रों आप सभी लोग कक्षा 6वीं से पढ़ रहे होंगे, विशाख दत्त साहब ने जो है मुद्रा राक्षस की रचना किया था। अगर मुद्रा राक्षस की बात की जाए तो मित्रों यह जो है एक जासूसी का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है, जासूसी का ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, मुझे पता है कि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं निश्चित रूप से बता देंगे। तो सत्यमेव जयते मित्रों मुंडकोपनिषद वाक्य है, है ना। यह भारत का प्रतीक वाक्य है सत्यमेव जयते, यह कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासी किस युग के थे। हड़प्पा निवासी किस युग के थे, उत्तर पाषाण युग के, ताम्रपाषाण युग के, सी है ए बी दोनों, कोई नहीं। तो जो हड़प्पा निवासी थे मित्रों वो ताम्रपाषाण युग के थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, मैकमोहन रेखा का संबंध किससे है। भारत और चीन से है, भारत और पाकिस्तान से है, भारत और नेपाल से है। मित्रों जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन से संबंध रखती है। भारत और पाकिस्तान की बात की जाए तो मित्रों भारत और पाकिस्तान से जो है रेड क्लिफ रेखा संबंध रखती है, ठीक है। कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, ध्यान रखिएगा आ सकता है। आगे बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की, भारत का उत्तरी छोर कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है मित्रों, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का दक्षिणी छोर और उत्तरी छोर,
दक्षिणी छोर मित्रों इंदिरा पॉइंट, इंदिरा किस क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट है, और उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा काल है, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा काल है, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे, तो अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। लगातार मैं बोलता जा रहा हूँ क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। आठवां क्वेश्चन है, संगीत का संबंध किससे है। मित्रों संगीत का संबंध जो है वेदों में सामवेद से है, है ना। चलिए हरिकेन चक्रवात कहाँ से संबंधित है, हरिकेन चक्रवात मित्रों मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, आप सभी लोग लगातार जानते होंगे इसके बारे में। इंडिका पुस्तक के लेखक जो है मेगस्थनीज साहब हैं। मेगस्थनीज किसके दरबार में रहते थे, आपको इसको बताना है। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था, तो मित्रों आप सभी लोग जानते हैं पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था, नवपाषाण काल में। आपसे पूछा जाए आग का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। आगे बात करते हैं, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। मित्रों वर्तमान के समय में सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। 2006 के पहले सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9 थी। यम को जो है 2006 में जो है ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, जय संहिता के रचयिता कौन है। मित्रों जय संहिता जो है महाभारत का पुराना नाम है, और महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास जी हैं, है ना। जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है, और इसे ही सत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, सत सहस्त्र संहिता, ध्यान रखिएगा, है ना। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो है मित्रों कपिल मुनि है, बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, कपिल मुनि है। आगे बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहते हैं। चलिए अतिलघुत्तरी प्रश्नों की बात करते हैं मित्रों। अतिलघुत्तरी प्रश्न में आपको 15 क्वेश्चन अतिलघुत्तरी के भी देखने को मिलेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी का उद्गम स्थल बताइए। आपको कैसे लिखना है कि आप लिखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है। कितनी है, 25-25 किलोमीटर है, और इसकी जो उत्पत्ति होती है वह गंगोत्री से होती है। गंगोत्री कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। बस इतना ही आपको लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं, धुआंधार या दुग्ध जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। मित्रों धुआंधार या दुग्ध जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। आपको लिखना कैसे है, आप लिखिएगा धुआंधार या दुग्ध जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। आप इसके बारे में जो कुछ जानते हैं उसे आपको जरूर लिखना है, है ना। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी। मित्रों आप सभी लोग कक्षा 6 में जब रहे होंगे तो आप जो है कक्षा 6 के इतिहास में सबसे पहला क्वेश्चन था कि 16 महाजनपदों के बारे में आप क्या जानते हैं। मुझे आज तक पता है, मैंने कक्षा 6 में ये पढ़ा था, शायद आपने भी पढ़ा हो, क्योंकि अगर आप भी बेहतर कर रहे हैं तो आप भी जरूर पढ़े होंगे। 16 महाजनपद थे 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, इसमें से 4 प्रमुख थे, कौन कौन से, काशी, मगध, गंधार और कौशल, है ना। बस इतना ही आपको याद रखने हैं, 16 के 16 महाजनपद आपको याद नहीं रखना है। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कुशीनगर क्यों प्रसिद्ध था। मित्रों कुशीनगर आप सभी लोग जानते हैं गोरखपुर के जस्ट बगल है, और यह क्यों प्रसिद्ध था, तो भगवान राम के पुत्र जो कुश थे इन्होंने इस नगर को बसाया था, ऐसी मान्यता है। और भगवान बुद्ध जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था, अर्थात इनकी जो अंतिम वक्त था, अंतिम समय था, अर्थात इनकी महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु भी कुशीनगर में ही हुई थी, ठीक है। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदवंश का अंतिम शासक जो है घनानंद था। यह वही घनानंद है जिसको पराजित करके चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित करवाया, और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का शासक बना दिया था, मगध का शासक बना दिया था। तो नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था, ठीक है। बस आपको इतना अगर आए नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, डायरेक्ट लिखिएगा नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह वही घनानंद था जिसने, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था चाणक्य की सहायता से। इतना लिखेंगे आपको नंबर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं। भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, एक है धर्म, एक है अर्थ, एक है काम, एक है मोक्ष।
धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यही भारतीय संस्कृति के चार पुरुषार्थ हैं। इसे अगर आप पढ़ाई के नज़रिए से देखते हैं तब भी आपको आना चाहिए, वैसे भी आपको पता होना चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है यह भारतीय संस्कृति के चार पुरुषार्थ होते हैं। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? मित्रों, इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं, हड़प्पा के खुदाई के जनक कौन है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता को खुदाई किसने किया था, या यूँ कहें तो हड़प्पा की खोज किसने किया था? ध्यान रखिएगा, दयाराम साहनी ने, है ना। कब किया था? 1921-22 ईस्वी में, है ना। अगर आपसे मोहनजोदड़ो को पूछा जाए मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखालदास बनर्जी ने किया था। आगे बात करते हैं, बोध गया क्या है? मित्रों, बोध गया वही स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहां पे? बिहार का एक स्थान है बोध गया, वहीं पर इन्हें जो है किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था आप जरूर लिखिएगा। हमारे ख्याल से पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था ज्ञान, आप सभी लोग बताइएगा क्या यह सही है। सौरमंडल के सबसे छोटे और सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए। मित्रों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगर आप लोग हमारी पर्यावरण की क्लासेज ले रहे थे तो हमने उसमें सौरमंडल पढ़ाया था, और यही सौरमंडल आपके DLED में भी पूछा जाएगा, है ना। चलिए 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या होती है? मित्रों, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा जो है हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, अर्थात यूँ कहे तो पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा जो है एंटी क्लॉकवाइज होती है, है ना। 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में आए हुए दो विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। भारत में आए हुए दो विदेशी यात्री, जो भी आपको पता हो आप लिख दीजिएगा, एक का नाम है मेगस्थनीज, एक का नाम है वेनसांग, है ना। चलिए आगे बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की, वर्षण किसे कहते हैं? मित्रों, वर्षण किसे कहते हैं जरूर बताइएगा। वर्षा के विभिन्न रूपों को वर्षण कहते हैं, जैसे ओश वर्षा, जल वर्षा, हिम वर्षा, ये सभी क्या होते हैं? वर्षण होते हैं, है ना। इसका ये मतलब नहीं है जब लगातार बरसात होगी वही वर्षण होगा, ओस वर्षा भी वर्षण का प्रकार है, हिम वर्षा भी वर्षण का प्रकार है, सभी जो है वर्षण के प्रकार होते हैं, है ना। चलिए 29वां क्वेश्चन आपके सामने है, नासा का पूरा नाम लिखिए, या यूँ कहें तो नासा का फुल फॉर्म लिखिए, है ना। इम्पॉर्टेंट है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, स्वशासन या होम रूल क्या है? आप सभी लोग बताइएगा इसके जनक कौन है, है ना। इसका मतलब है राज्य के किसी अंग प्रभाग द्वारा कुछ शक्तियों का उपभोग जो केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्रदान किया जाए, अर्थात अपने देश का शासन स्वयं लेकर के अपने हाथों से चलाया जाए, वही स्वशासन है। जो आप होम रूल या स्वशासन के बारे में लिख सकते हैं लिखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो प्रणेता मानी जाती है भारत में, उसे जो है एनी बेसेंट को माना जाता है और बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है, है ना। चलिए 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं, या तो लघुत्तरी प्रश्न समाप्त होते हैं, अब लघुत्तरी प्रश्न चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर था? सिंधु सभ्यता क्या था? विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसके निर्माता किस जाति के थे? अभी भी विवादित है, लेकिन अधिकतर विद्वान द्रविड़, सुमेर, आर्य आदि बताते हैं, है ना। क्या सिंधु सभ्यता के बारे में तो आप सभी लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। और जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता क्या था? इसके निर्माणकर्ता जो है आर्य थे। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जा सकता है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल। हमने यूपी पेट के क्लास में सभी चीज़ें पढ़ाया था, मुझे आज भी पता है, लेकिन अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहा जाता है? मित्रों, आप इसे जरूर लिखिएगा, पृथ्वी का हरित ग्रह क्यों कहा जाता है, है ना। पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहा जाता है, यह आपके लिए है, स्वयं करो। जो चीज़ें मैंने लिखा है स्वयं करो, ये तो आपको स्वयं करना ही करना है, या आप कमेंट बॉक्स में लिखने लायक है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, नहीं तो आप याद कर लीजिएगा। भारत के 5 पड़ोसी देश का नाम आपको लिखना है, बांग्लादेश है, भूटान है, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, आप लिख सकते हैं, म्यांमार भी है। चलिए 34वां है, रेल यातायात को वर्गीकृत कीजिए। मित्रों, रेल यातायात 3 प्रकार की होती हैं, बड़ी लाइन की, मीटर लाइन की, छोटी लाइन की, है ना। तो बड़ी लाइन पर क्या होता है, इस पर जो है इसकी रेल मार्ग की चौड़ाई, जो दोनों पटरियां होती हैं इसके बीच की चौड़ाई 1.676 मीटर होता है। तेज रफ्तार की जो शताब्दी ट्रेनें होती हैं वह इस पर चलाई जाती हैं। जो दूसरा है मीटर लाइन, इसे कहते हैं, इसकी दूरी जो है 1 मीटर की होती है, इसमें नॉर्मल रफ्तार की ट्रेनें चलाई जाती हैं। और सबसे एक होती है छोटी लाइन, जिस पर पैसेंजर या लोकल ट्रेनें चलाई जाती हैं,
इनके पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। आर्थिक, धार्मिक और नगरीय सभ्यताओं की एक एक विशेषता लिखी, तो आप इसे लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा। मैंने यहाँ पे जो है शॉर्ट में लिखा है। आर्थिक में क्या था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कृषि ज़्यादा करते थे। कृषि में गेहूँ, जौ, कपास, मटर, खजूर, अनार, राई इत्यादि का ये मतलब कि उत्पादन करते थे। पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। सबसे ज़्यादा ये जो है पशुपालन पर ही सिंधु घाटी सभ्यता वाले विश्वास करते थे। पशुपालन में बैल, ऊँट, भेड़, भैंस, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ता आदि का पालन करते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा इनके में गाय नहीं थी, है ना। गाय का पालन जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं वर्णन नहीं मिला है। धार्मिक कारण में लिखिएगा, इनका जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक होता था। शिव की पूजा उपासना करते थे। पीपल का वृक्ष पाया गया। महुआ और तुलसी की भी उपासना करते थे, है ना। नगरी व्यवस्था क्या थी, इनकी सड़कें जो है सीधी होती थी। जो भी आज आप लिख सकते हैं सड़कों के बारे में, जितनी बेहतर आप लिख सकते हैं, सड़कें सीधी थी, चौकोर रास्ता था, चौराहा बना हुआ था, नाली स्वच्छ थी, ये सभी चीज़ें जो है जितनी स्वच्छता आज की डेट में आपको अच्छे नगरों में दिखाई देती हैं, लगभग उतनी ही स्वच्छता आपको सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देती थी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में एक चीज़ पूछा जाता है, इनकी ईंटों की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या था, तो 4-3-1 था, है ना। 4-3-1 इनकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात था ईंटों की। ध्यान रखिएगा शायद हम गलत बता रहे हैं, तो इसे मैंने देखा नहीं, आप देख लीजिएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, 36वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सड़क दुर्घटना के बचाव के 6 उपाय आपको बताने हैं। आप DLED में लगातार या 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सड़क दुर्घटना के 6 उपाय आपको बताना है। ठीक है, सड़क पर जो है सीधी चलना चाहिए, बाएं तरफ से चलना चाहिए, सड़क पार करते समय हमें दाहिने बाएं तरफ देखना चाहिए, जब कोई गाड़ी नहीं आती तब जाना चाहिए, सड़क पर जो है किसी तरफ अचानक मुड़ते समय गाड़ी अगर हम बाइक चला रहे हैं तो डिपर का प्रयोग करना चाहिए। जो सड़क दुर्घटना के 6 उपाय होते हैं आप उसे अपनी भाषा में लिखिएगा, ऐसा नहीं है किताबी भाषा में लिखिए। पृथ्वी के कितने महाद्वीपों में बांटा गया है, 7 महाद्वीपों में, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सभी चीज़ें आप जानते हैं, पूछा जाता है। 38वां क्वेश्चन आपके बीच है, मानचित्र में नदी, कुआं, पुल, तालाब को दर्शाइए। मानचित्र में नदी को इस तरीके से दर्शाया जाता है, कुआं को ऐसे दर्शाया जाता है, पुल को जो है इस तरीके से दर्शाया जाता है, है ना, और तालाब को इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो आप ये तो ज़रूर जानिएगा, है ना। 39वें क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे राष्ट्रध्वज में ऊपर से नीचे को रंगों का क्रम लिखिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि यार बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। जी आसान ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, केसरिया, सफ़ेद मध्य में होता है, अंत में हरा रंग होता है, और हमारे राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होता है। सफ़ेद कलर की जो पट्टी होती है उसके बीच में नीले कलर का अशोक चक्र पाया जाता है, इसमें 24 तीलियां होती हैं। आप यह लिख सकते हैं जितना आप राष्ट्रध्वज के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 40वां क्वेश्चन, मैं तो ये बताऊंगा, आप इसे घोर करके पी जाइएगा और ये चीज़ें आप जानते हैं। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लिखिए। एक क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है और BTC के छात्र नहीं लिख पाते हैं, तो राष्ट्रगान पूरा का पूरा आपको लिखना है। 2-1 बार लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, शुद्ध लिखेंगे तभी 2 नंबर आपको मिलेगा। राष्ट्रगीत भी आपको लिख लेना है। वंदे मातरम, सुजलाम, सुफलाम, मलयज, शीतलाम जो होता है पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है। राष्ट्रगान जो है किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहाँ से लिया गया है, गीतांजलि से। राष्ट्रगीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से। और ये जो नीचे लिखा गया है स्वयं लिखो, आपको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को आसानी से लिख लेना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये 40 प्रश्न आपको दिखाए गए हैं, लगभग आपकी कठिनाई का स्तर सेम यही रहेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ईमानदारी से पढ़ाई करना है। निश्चित रूप से आप 35 प्लस स्कोर करेंगे और आप 90% प्लस स्कोर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। इस पूरे पेपर को देखने के बाद आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने वादे के मुताबिक 7 वीडियो आपको दे चुका हूं, एक वीडियो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का और देना है। उसके बाद मैं जो है ये चीज़ें जो है अपनी तरफ से जो DLED की क्लासेज मेरी चल रही थी ये बंद हो जाएंगी। उसके बाद केवल और केवल हम UPTET पर अपने आप को फोकस करेंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य अगर शिक्षक बनना है तो आपका उद्देश्य शिक्षक बनना ही होना चाहिए, ना कि DLED या BED करना होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जब आप
आप यूपीटेट देने लायक हों, तब आप निशांत ज्ञान के साथ जुड़ करके तब तक आप इतनी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं कि निश्चित रूप से आपको कभी भी कोई समस्या ना हो। ठीक है, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, आप हमारे मोटिवेशन के लिए जो सर आपके लिए पेपर बनाते हैं उनके मोटिवेशन के लिए आप दो शब्द लिख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए लगभग दो घंटे की कड़ी मेहनत के बाद यह पेपर तैयार हुआ है और लगभग डेढ़ घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मैं आपके बीच यह पेपर लेकर आया हूँ, लगभग आधा घंटे की कड़ी मेहनत के बाद यह वीडियो आपके पास अपलोड हो रहा है ना। तो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप कमेंट में मोटिवेशनल बातें हमारे लिए लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए तभी जा करके उतने दिल से मेहनत कर पाऊँगा जब आपको लगे कि हम आपके लिए बेहतर कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम अपनी तरफ से तो सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास कर ही रहे हैं। संघर्षों से कभी भागना नहीं चाहिए, हमारी अंतिम बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, लगातार प्रयास करिए बेहतर को और बेहतर बनाने के लिए, जो आपको कहते हैं आपसे कुछ नहीं होगा उनसे कुछ आपको नहीं करना है, ईमानदारी से पढ़ करके सफलता का भूचाल लाना है, यूं कहें भूचाल नहीं सफलता की सुनामी लाना है, वक्त आने दो बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।